हे गाइस, स्वागत है आपका व्यंजन बनाना सीखिए हिंदी में होम पैराडाइज बाय लता कपूर, जो हमारी ग्रुप की एडमिन है। आज मैं बनाने वाली हूँ गुजराती डिश फाफड़ा, जिसे जलेबी के साथ खाया जाता है, जलेबी फाफड़ा। चलिए बनाना शुरू करते हैं फाफड़ा। उसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन, बेसन जैसा मर्जी हो, बारीक या मोटा, नमक, हल्दी, अजवाइन और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा पानी। सबसे पहले हम डालेंगे अपने मसाले एंड देन डाल देंगे हम अपना बेकिंग पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें मोइन के लिए डालेंगे घी या ऑयल और इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद से पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको, इसका डो बना लेंगे, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल इस तरह से। और इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे नींबू के साइज़ की इस तरह, और इसको ये शेप दे देंगे इस तरह से, रखेंगे एंड में और अपने हाथ से नीचे से प्रेस करके इसको आराम से धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करते जाना है। देखिए ये ऐसे बनना चाहिए, और इसे चाकू के हेल्प से नीचे से छुड़वा लेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगा अगर ऐसे उठाएंगे तो। ये देखिए चाकू की हेल्प से मैंने छुड़वा लिया। अब बारी है इसको फ्राई करने की। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और ये जल्दी बन जाता है लो टू मीडियम। और चिमटे की हेल्प से इसे पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। इसी तरह से हम अपने सारे फाफड़ा रेडी कर लेंगे। ये देखिए ये निकल गया, इसे ठंडा होने के बाद ही खाएं। हम नेक्स्ट डाल रहे हैं, ये देखिए इस तरह से हाथ में लगना चाहिए तभी होता है बिल्कुल परफेक्ट। ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट फाफड़ा बनके रेडी हो चुके हैं। इसे ठंडा होने पे जलेबी के साथ खाएं। ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल बाजार जैसे हैं, लगेगा नहीं कि हमने घर में बनाए हैं। थैंक यू गाइस, आप भी ट्राई कीजिए।